अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका प्यारा भाई मोहम्मद समीउल्लाह, मैं आज आया हूँ यहाँ कब्रिस्तान में दुआ गो करने के लिए। हमारे ये निहामी वाले कब्रिस्तान में आज जुमे का दिन था और मैंने सोचा कि दुआ करने के लिए कब्रिस्तान जाता हूँ। और दूसरी तरफ वीडियो एंड तक ज़रूर चलेगी। आप सब लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपको वीडियो एंड तक दिखाएंगे। और आपको दूसरी ये भी बात बताते हैं कि हमारे गांव में एक छोटा बच्चा था आफस हमाद, उनकी कब्र पर भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे। उनके घर वालों ने काफ़ी सजावट की थी और वो अपने खोए हुए चिराग को याद भी करते हैं, बहुत याद करके रोते होंगे काफ़ी। उस बच्चे को कैंसर हुआ था और जवान मौत आई है उस बच्चे को। हम फिर आपको दिखाएंगे और यहाँ दुआ गो करते हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम अद्दीन इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। दुआ गो हमारी ख़त्म हो गई और ये दिखाते हैं आपको कब्रें। ये मेरे दादा अबू की कब्र है, ये भी सारी कब्रें हैं हमारी हैं। ये मेरे दादा अबू की कब्र है, ये मेरे भाई की कब्र है और ये कज़न की है, ये भी कज़न की है। ये चाचू मेरे की कब्र है और वो मामू की है, मामू अनवर की। आपको फिर आगे लेकर चलते हैं हमाद भाई की कब्र पर। बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा हमारे गांव का था, बहुत अच्छा बच्चा था। हम आपको दिखाते हैं हमाद भाई की कब्र। ये देखें, इन्होंने डेकोरेशन सारी की हुई है। वो इनके घर वाले इन्हें याद रखते हैं और रोज़ आते हैं यहाँ दुआ गो करने के लिए। हम सब भाइयों को कब्रों पर ज़रूर आना चाहिए। ये देखें, इन्होंने फूल लगाए हुए हैं, हर किस्म के फूल। इस बच्चे को कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर पहले इसके मुंह में हुआ था जिसकी वजह से ज़्यादा फैल गया था ब्लड कैंसर इसका। और ये बच्चा 3-4 महीने में ही ख़त्म हो गया था। हिफ्ज़ भी इसने किया हुआ था, कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था, जनती है हिफ्ज़ भी किया हुआ था और उसका माँ बाप भी जनती है। ये देखें ये सारे फूल, ये आम के दरख्त लगे हुए हैं, ये हमारे हैं। सारे बच्चे आकर उतारते रहते हैं, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ही हैं। और ये बच्चे के माँ बाप का हौसला है, एक नौजवान बच्चे को दफनाया। ये आज से 3-4 माह पहले ये बच्चा फोत हुआ था। ये रोज़ आते हैं इधर, दुआ खाना करते हैं इसके लिए। ये हमारा कब्रिस्तान है ये सारा। ये देखें ये व्यूज़। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे कब्रिस्तान की तमीर भी की जाए। ये द्वारे जब शहबाज शरीफ इनका नवाज शरीफ का दौर था तब ये बनी थी और ये काफ़ी थोड़ा ख़राब हुआ हुआ सिस्टम। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस सिस्टम को सही किया जाए। हम जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, हमारे साथ रहना। ये कब्र है तैयब भाई के अब्बू की, अंकल सदीक की, ये उनकी कब्र है। ये आज से 6-7 माह पहले फोत हुए थे। ये देखें ये उनकी कब्र है। इन्हें भी हेड अटैक आया था, वो बच्चे को कैंसर हुआ था ना, इन्हें हेड अटैक आया था जिसकी वजह से ये फोत हुए थे। बहुत अच्छे इंसान थे। ये सारी कब्रें हैं, ये देखें काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है।